जी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो सबक हो चुका है, अदरसुल हादिया अशारा यानी द एलेवेंथ लेसन, 11वां सबक, उस सबक में जो थीम था वो क्या था? रिवाइज्ड बेस था। लेसन जो था पूरे 1 से लेकर के 10 तक जो हमने सीखा था, उस पूरे का ओवरऑल रिवीजन था। ठीक है, जिसमें हमने सीखा, इसमें इशारा का इस्तेमाल सीखा, फिर जाकर के मौसूफ सिफत का इस्तेमाल को सीखा, फिर जाकर के हम प्रीपोजिशन यानी हरूफ जार के बारे में सीखा। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा? हाँ, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन यानी इसमें तफजील को हमने सीखा। ठीक है, अब हम आज के सबक पे आते हैं। आज का सबक है अदरसुस सानी अशारा यानी 12वां सबक। आज का जो सबक है ये भी लगभग रिवीजन लेसन है, और इसमें एक नई बात ये है कि ये बेसिक कन्वर्सेशन बेस्ड है। ठीक है, यानी कैसे अरबी में बातचीत होती है, बुनियादी गुफ्तगू, ठीक है, उसको इसमें बताया गया है। अदरसुस सानी अशारा यानी 12वां सबक। अस्सलामु अलैका अदरसुस सानी अशारा 12वां सबक। अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो। ठीक है, अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो। अलैका है का जो है काफ जबर का, ये सेकंड पर्सन फॉर मैस्कुलीन सिंगुलर फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि काफ जेर की सेकंड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलैका है, जस्ट एक मिनट, ये जो अलैका है, अलैका में काफ जबर का, काफ पे फतहा यानी जबर है। ठीक है, ये एक मर्द को एड्रेस कर रहा है, एक मर्द को एड्रेस कर रहा है, एक मर्द को से खिताब कर रहा है। अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो, यानी तुम एक मर्द पर सलामती हो। ठीक है, जवाब है व अलैका सलाम, जवाब है सलाम का जवाब व अलैका सलाम, पर भी सलामती हो। ठीक है, लेकिन हम लोग जो सलाम करते हैं तो कुम जमीर इस्तेमाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, वो जो कुम है, कुम जमीर है यानी कनेक्टेड जमीर जिसको कहते हैं, वो कुम जमीर जो है जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। आप देख लें, का कुमा कुम, ये तीन हो गया मेल के लिए, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। ठीक है, का कुमा कुम, का जो हो गया एक मर्द के लिए, कुमा दो मर्द के लिए, और कुम सब मर्द के लिए, सेकंड पर्सन मैस्कुलीन फॉर ऑल। ठीक है, और इसके बिलमुकाबिल जो औरतों को एड्रेस करने के लिए है, फीमेल को एड्रेस करने के लिए है, वो है की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, तू एक औरत और तुझे एक औरत को, और तुम दो औरतों को, और तुम सब औरतों को। ठीक है, तो हम जो सलाम करते हैं वो जमा मुजक्कर हाजिर के सिगों को इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जो चलन है, जो हम लोग सलाम करते हैं सभी जगह, और अस्सलामु अलैकुम जमा का सिगा इस्तेमाल करते हैं, जमा मुजक्कर हाजिर का सिगा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो, यानी तुम एक मर्द पर सलामती हो, जवाब है व अलैका सलाम।
अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो, ये ग्रीटिंग हो गया सलाम। व अलैका सलामु जवाब हो गया, व अलैका सलाम और तुम पर भी सलामती हो, ठीक है। अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो, जवाब होगा व अलैका सलामु और तुम पर भी सलामती हो। लेकिन हम लोग करते हैं अस्सलामु अलैकुम और व अलैकुमुस्सलाम, व अलैकुमुस्सलाम, ठीक है। उसके बाद है मस्मुका, मस्मुका, ये जो देख रहे हैं मस्मुका, इसमें तीन पार्ट है, ध्यान से देखेंगे। एक है माँ, माँ के माना क्या, व्हाट। एक है इस्मुन, ठीक है, इसमें के माना नान, नाम, नाउन। और एक है काफ जमीर, काफ जमीर जो है फतहा के साथ, फतहा यानी जबर के साथ जो है फॉर मेल एंड सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैंने बताया अस्सलामु अलैका में मस्मू का, ये जब तीन पार्ट को हमने मिलाया माँ इस्मु और का को, तब हो गया मस्मू का। ये जो माँ के बाद अलिफ जो है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हमजा वसली है, इस वजह से हमजा वसली कहते हैं जो मिलाने के वक्त नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। हमजा वसली, वसली के माना होता है कनेक्टेड, कनेक्टिंग हमजा, जो जोड़ने वाला, दो हरफ को जोड़ने वाला। तो माँ को सीन से जोड़ दिया और जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मस्मू का तुम्हारा क्या नाम है, मस्मू का तुम्हारा क्या नाम है, ये तो सिंपली हो गया। लेकिन अगर इसमें आप लगाना चाहें, चूंकि हम नाम पूछते हैं तो या तो इस तरह से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, या फिर आपका अच्छा नाम, आपका मुबारक नाम क्या है, योर गुड नेम। तो ये जो गुड लगा रहे हैं उसके लिए अलग से एडजेक्टिव लगानी होगी आपको, मस्मुकल करीम, मस्मुकल करीम, क्या आपका अच्छा नाम क्या है, योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, ठीक है। जो करीम लगा रहे हैं ये गुड के लिए लगा रहे हैं, मस्मू का तुम्हारा नाम क्या है। तो जवाब है इस्मी नबीलुन, इस्मी नबीलुन, इस्म के माना नाम और या जमीर जो है वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। इस्मी मेरा नाम इजाफत हो गया, ये जो या है पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इस्मी माई नेम, नबीलुन नबील, जब हम इन दोनों को जोड़ दिया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को, इस्मी जो है ये सब्जेक्ट हो गया और नबीलुन प्रेडिकेट हो गया। इस्मी नबीलुन, मेरा नाम नबील है, ठीक है। मा अमलुका, मा अमलुका क्या है, मा अमलुका इसका माना होगा व्हाट डू यू डू, यानी आप क्या करते हैं, यानी आपका पेशा क्या है, आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं। मा अमलु का, अमल के माना काम, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है, तुम्हारी मशगूलियत क्या है, तुम्हारा मामूल क्या है। उर्दू में ये सब इस्तेमाल करते हैं, मशगूलियत भी इस्तेमाल करते हैं, मामूल भी इस्तेमाल करते हैं। मा अमलु का, तुम्हारी मशगूलियत क्या है, या फिर तुम्हारा मामूल क्या है, या फिर तुम क्या करते हो, ठीक है। जवाब है अना तालिबुन फी मदरसतिन, मैं एक मदरसे में पढ़ता हूँ। अना तालिबुन फी मदरसतिन, मैं एक मदरसे में तालिब हूँ। आई एम ए स्टूडेंट इन ए स्कूल, ठीक है। अना तालिबुन फी मदरसतिन, मैं एक मदरसे में स्टूडेंट हूँ, मैं एक मदरसे का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, ठीक है, मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ। उसके बाद है मिन अइना अंता, मिन अइना अंता, आप कहाँ के हैं, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं। मिन अइना अंता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, मिन अइना अंता वेयर आर यू फ्रॉम। तो जवाब है अना हिंदीयुन, जानते हैं मैं के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिंगुलर के लिए। अना हिंदीयुन, ये जो हिंदीयुन है ये इंग्लिश में बोलते हैं ना इंडियन, वही है। आना हिंदी यून, आई एम इंडियन, हिंदी यून यानी हिंदुस्तान, भारत का रहने वाला, भारत का रहने वाला हिंदी यून। आना हिंदी यून, मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। उसके बाद है माँ उमरु सदीकी का, माँ के माना क्या, उमरु के माना एज, सदीक के माना होंगे दोस्त, और काफ जमीर अभी समझ कर आ रहे हैं योर। माँ उमरु सदीकी का, तुम्हारे दोस्त की उम्र क्या है, तुम्हारे दोस्त की उम्र क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है।
मा उम्रु सदीकी का, तुम्हारे दोस्त की उम्र क्या है? हुआ फिल इशरीन, हुआ फिल इशरीन, वो 20 साल का है, ठीक है। ही इज 20 ईयर्स इन एज, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हुआ फिल इशरीन, वो 20 साल का है, इशरीन के माना 20, 20। उसके बाद है मिन अइना हुआ, मिन अइना हुआ, वो कहाँ का है। हुआ जो है, हुआ के माना वो एक मर्द, मिन अइना हुआ, वो कहाँ का है या फिर वो कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। हुआ सऊदीयुन, वो सऊदियन है, यानी वो सऊदी अरब का रहने वाला है। हुआ सऊदीयुन, वो सऊदी अरब का रहने वाला है। उसके बाद है मा शुगलुहू, शुगल के माना होता है, शुगल के माना होता है मशगूलियत, पेशा, उसका पेशा क्या है, ठीक है। शुगलुहू, हु ये जो जमीर है फॉर मेल, हु फॉर मेल एंड हा फॉर फीमेल, याद रखेंगे। मा शुगलुहू, उसका पेशा क्या है, व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन। हुआ मुहासिबुन, हुआ मुहासिबुन, वो एक मुहासिब है, मुहासिब यानी ही इज एन अकाउंटेंट, यानी वो एक मुंशी है, हिसाब करने वाला है, हिसाब कुनिंदा है। मा शुगलुहू, उसका पेशा क्या है। हुआ मुहासिबुन, वो एक मुंशी है, ठीक है, यानी लेखा जोखा रखने वाला, मुहासिब है, अकाउंटेंट है। उसके बाद अइना, अइना किताबू का, अइना के माना होते हैं कहाँ, वेयर, ठीक है। किताबू का, अइना किताबू का, तुम्हारी किताब कहाँ है। अइना किताबू का, तुम्हारी किताब कहाँ है। किताबी फिल हकीबती, मेरी किताब बैग में है। हकीबती के माना होंगे बैग, लेकिन अगर काफ की जगह दाल आ जाएगा हदीकती, तो हो जाएगा चमन, पार्क, बगीचा, याद रखेंगे। हकीबतुन काफ से बैग, और हदीकतुन दाल से हो जाएगा चमन, पार्क। उसके बाद हाँ, अइना किताबु का, तुम्हारी किताब कहाँ है। किताबी फिल हकीबती, मेरी किताब बैग में है। उसके बाद है हल, हल अंता जाहिबुन इलल फसली, हल अंता जाहिबुन इलल फसली, जाहिबुन के माना होता है जाने वाला, लेकिन तर्जमा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। हल अंता जाहिबुन इलल फसली, क्या आप क्लास जा रहे हैं, ठीक है। कैफ हालू का पूछ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अना तय्यिब बिहम्दिल्ला। हल अंत जाहिबुन इलल फसली, क्या आप क्लास जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू क्लासरूम। हल अंत जाहिबुन इलल फसली, क्या आप दरसगाह जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं। उर्दू में दरसगाह होगा और इंग्लिश में क्लासरूम। आर यू गोइंग टू क्लासरूम, ला नहीं। अना जाहिबुन इलल मकतबती, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अना जाहिबुन इलल मकतबती, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। हल का जवाब एक नाम के जरिए से होता है, एक ला के जरिए होता है। नाम के जरिए मुस्बत जवाब यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और ला के जरिए मनफी जवाब यानी निगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। हल अंत जाहिबुन इलल फसली, क्या आप क्लासरूम जा रहे हैं, ला नहीं। अना जाहिबुन इलल मकतबती, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। उसके बाद है हलिल मकतबतु करीबतुन, क्या लाइब्रेरी नजदीक है, क्या लाइब्रेरी नजदीक है, करीब में है। नाम ही करीबतुन, हाँ वो करीब है। हिया जो इस्तेमाल हुआ यहाँ पे जमीर, ये मकतबा के लिए, और मकतबा हम जान रहे हैं कि मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए हिया लाएंगे। नाम ही करीबतुन, हाँ वो करीब है, हाँ वो करीब है, यानी लाइब्रेरी करीब है, पास में ही है। वह हलिल मकतबु बईदुन, करीबुन का उल्टा बईद है, लेकिन यहाँ पे बईद मुजक्कर इस्तेमाल हुआ और करीबतुन मुअन्नस इस्तेमाल हुआ था। वह हलिल मकतबु बईदुन, और क्या मकतब, वह हलिल मकतबु, मकतबु के माना तो मेज होता है, नहीं मकतबू के माना ऑफिस भी होता है, और क्या ऑफिस दूर है। मकतब के माना
ऑफिस भी होता है, स्कूल कॉलेज का ऑफिस या फिर किसी चीज का ऑफिस हो, दफ्तर जिसे बोलते हैं ऑफिस, और मकतब के माना टेबल बेंच भी होता है। वहलिल मकतबु बईदुन, और क्या ऑफिस दूर है, और क्या ऑफिस दूर है? जवाब है ला, नहीं। हुआ अकरबु मिनल मकतबती, वो लाइब्रेरी से करीब है, वो लाइब्रेरी से ज्यादा नजदीक है। हुआ अकरबु मिन, ये जो अकरबु है करीबुन का इसमें तफजील है। करीबुन के माने सिंपली नजदीक, लेकिन अकरबु मिन के माने ज्यादा नजदीक। ला, नहीं। हुआ अकरबु मिनल मकतबती, वहलिल मकतबु बईदुन, और क्या ऑफिस दूर है? ला, नहीं। हुआ अकरबु मिनल मकतबती। जी, यहाँ तक किन्हीं को कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछें, उसके बाद फिर रिपीट करता हूँ। रेज हैंड करें, सवाल पूछें। जी तमीना शेख, अनम्यूट किया मैंने। मुझे जानते पर बाद में प्रॉब्लम आपको जी जी यहाँ तो कोई परेशानी? नहीं माशा से समझ में आ गया अलहमदुल्ला। अच्छा, आयशा सब्बीर, अनम्यूट किया मैंने आपको भी। उसके बाद मतलूब सलीम भाई, बताइए सवाल। जी नहीं, ज्यादा जी बोले। जी नहीं, ज्यादा गल ठीक है, ठीक है, माइक बंद कर ले, रिपीट करता हूँ इसी को, माइक बंद करें। हाँ, अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो, व अलैका सलाम, और तुम पर भी सलामती हो। व अलैका सलाम, और तुम पर भी सलामती हो। मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? इस्मी नबीलुन, इस्मी के माना मेरा नाम, नबीलुन नबील है, इस्मी नबीलुन मेरा नाम नबील है। मा अमलू का, तुम्हारा मामूल क्या है, या फिर तुम क्या करते हो, या फिर तुम्हारी मशगूलियत क्या है? ठीक है, मा अमलू का। अना तालिबुन फी मदरसती, मदरसतिन, मैं एक मदरसे में तालिब इल्म हूँ, या फिर मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। ठीक है, फी के माना में होता है, लेकिन यहाँ पे का भी कर सकते हैं। अना तालिबुन फी मदरसतिन, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, यानी मदरसे में पढ़ता हूँ। हाँ, उसके बाद है मिन अइना अंता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, यानी आप कहाँ के हैं। मिन अइना अंता, आप कहाँ के हैं। मिन अइना अंता, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अना हिंदीयुन, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आई एम इंडियन। मा उमरु सदीकी का, तुम्हारे दोस्त की उम्र क्या है, तुम्हारे दोस्त की उम्र क्या है। सदीक के माना दोस्त, ठीक है, सदीकी का के माना योर फ्रेंड। मा उमरु सदीकी का, तुम्हारे दोस्त की उम्र क्या है। हुआ फिल इशरीन, हुआ फिल इशरीन, वो 20 साल का है, वो 20 साल का है। मिन अइना हुआ, वो कहाँ का है। हुआ, वो कहाँ का है। मिन अइना हुआ, वो कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, हुआ सऊदीयुन, वो सऊदियन है, यानी वो सऊदी अरब का रहने वाला है। मा शुगलुहु, उसका पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन। ठीक है, मा शुगलुहु, उसका पेशा क्या है। हुआ मुहासिबुन, वो एक मुहासिब है, हिसाब कुनिंदा है, मुंशी है, अकाउंटेंट है, मुहासिबुन के माना। अइन किताबु का, तुम्हारी किताब कहाँ है। अइन किताबु का, तुम्हारी किताब कहाँ है। किताबी फिल हकीबती, किताबी फिल हकीबती, मेरी किताब बैग में है। उसके बाद है हल अंत ज़ाहिबुन इलल फसली, क्या आप क्लासरूम जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू क्लासरूम। ला, नहीं। अना ज़ाहिबुन इलल मकतबती, नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ।
हलिल मकतबतु करीबतुन, क्या लाइब्रेरी करीब है? हलिल मकतबतु करीबतुन, क्या लाइब्रेरी करीब है, पास में है? नाम ही करीबतुन, हाँ वो करीब है। नाम ही करीबतुन, हाँ वो करीब है। वह हलिल मकतबु बईदुन, और क्या ऑफिस दूर है? और क्या ऑफिस दूर है? ला नहीं, हुआ अक्रबु मिनल मकतबती, नहीं वो लाइब्रेरी से नजदीक है, नहीं वो लाइब्रेरी से ज्यादा करीब है। ठीक है, अब बताएं। जी कोई सवाल है या फिर आगे बढ़ा जाए? जी शाहवेज भाई बोले। जी बोलिए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर जी ये जो आप पूरा सेंटेंस का मीनिंग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक वर्ड को बताएं फिर उसका मीनिंग अलग बताएं आप, जैसे अस्सलामु इसका मतलब हो गया सलाम करना, फिर अलैका, तो ऐसे करके अगर आप बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि फिर जो आइंदा हम सीख भी पाएंगे। ऐसे तो पूरा फिर आप पूरा सेंटेंस बता रहे हैं और अच्छा। उस तरीके से वो मतलब समझ में आ रहा है पूरे का, लेकिन बाकी एक एक वर्ड का वो पता नहीं लगा पा रहे कि कौन से का क्या है, ये ठीक मुश्किल हो रहा है समझने में। ठीक 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 ओके ठीक है सर। ठीक जी, सफा नंबर 42। इस पे है मश्क अलिफ। नीचे लिखी हुई मिसालों की तरह बाकी नामों से पहले और बाद में मुनासिब अल्फाज लिखकर जुमलों को मुकम्मल कीजिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। ठीक है, दो तीन सैंपल इन्होंने बनाकर समझाया है, उसी पैटर्न पे बाकी खाली जगहों को आपको भरना है और इनकम्प्लीट सेंटेंस को खुद से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख ले, अना अहमदु, मैं अहमद हूँ। अना के माने जानते हैं, मैं एक मर्द या मैं एक औरत, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आई अना अहमदु, मैं अहमद हूँ। अना तबीबुन, तबीबुन के माना डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। अना अहमदु, अना तबीबुन, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। अना अहमदु, मैं अहमद हूँ। अना तबीबुन, मैं एक डॉक्टर हूँ। अना हिजाजीयुन, मैं हिजाज का रहने वाला हूँ। मैं हिजाज का रहने वाला हूँ। हिजाज जो है एक शहर का नाम है सऊदी अरब में। अना हिजाजीयुन, मैं हिजाज का रहने वाला हूँ। अना फिल अरबईन, अना फिल अरबईन। ठीक है, मैं 40 साल का हूँ। अना, मैं, फी, मे, अल अरबईन, 40, मैं 40 में हूँ, यानी आई एम 40 इयर्स इन एज। ठीक है, अना फिल अरबईन, मैं 40 साल का हूँ, इसका तर्जमा हो रहा है। अना फिल अरबईन का तर्जमा हो रहा है, मैं 40 साल का हूँ। ठीक है, उसके बाद है हुआ खालिदुन, वो खालिद है। हुआ मुदर्रिसुन, वो एक टीचर है, वो एक मुदर्रिस है, वो एक उस्ताज है। हुआ मिस्रियुन, मिस्रियुन यानी मिस्र का रहने वाला। हिंदीयुन, हिंदुस्तान का रहने वाला। हिजाजीयुन, हिजाज का रहने वाला। मिस्रियुन, मिस्र का रहने वाला। देहलवीयतुन या देहलवीयुन, देहली का रहने वाला। ठीक है, हुआ खालिदुन, दूसरी लाइन में देखें, हुआ खालिदुन, वो खालिद है। हुआ मुदर्रिसुन, वो एक मुदर्रिस है। हुआ मिस्रियुन, वो मिस्र का रहने वाला है, यानी वो मिस्री है, यूं भी कहते हैं, वो मिस्री है। हुआ फिल खमसीन, वो 50 साल का है। खमसीन के माना 50। हुआ फिल खमसीन, वो 50 साल का है। ठीक है, हिया सुआद, वो सुआद है। हिया सुआद, वो सुआद है। हिया मुमर्रिजतुन, वो एक नर्स है। हिया देहलवीयतुन, वो देहली की रहने वाली है, यानी वो देहलवी है, वो देहली की रहने वाली है। हुआ फिस सलासीन, वो 30 साल की है, यानी उसकी उम्र जो है 30 साल है। हिया सुआदु, वो सुआद है। हिया मुमर्रिजतुन, वो एक नर्स है। हिया देहलवीयतुन, वो देहली की रहने वाली है।
हिया फिस सलासीन, वो 30 साल की है। ठीक है, ये तीन सैंपल आपको दिया हुआ, 3 लाइन का सैंपल दिया हुआ। इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे आपको बाकी जुमलों को कंप्लीट करना है जो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब राशिदुन है, अब इसके साथ साथ आप बनाते चले। जी तमीना शेख, अनम्यूट किया मैंने आपको। और एक जी जी आहसान अली शेख भाई, आपको जी बताएं। राशिदुन है, इसी सेम पैटर्न पे बनाना है। अना राशिदुन, हाँ राशिदुन। बिल्कुल सही, मैं राशिद हूँ। उसके बाद बोले, मतलब कुछ भी बना सकते हैं ना इसमें। हाँ, जमीर लगाना है। पैटर्न आप देख ले पहले, फिर से समझ लें। अना अहमदु, इसमें मैं अहमद हूँ। अना तबीबुन, अना शुरू में लगाया तो सभी में आना लगाया, हुआ अच्छा शुरू में लगाया तो सभी में हुआ लगाया, हिया शुरू में लगाया, सेम जमीर लगाना है शुरू में जो लगाना है। ठीक है, अब जी, बताए हु जैसे अना लगाया तो अब सभी में अना लगाना, अना राशिदुन। ठीक है, अना तालिबुन, हाँ मैं एक तालिबिल्म हूँ, सही है। हाँ अना हिंदियुन, हाँ मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, बिल्कुल सही है। हाँ मैं तर्जमा कर रहा अना, हूँ, आप बोलते जाए, मैं तर्जमा करूंगा। अब जी एज बताना है, पहले जी पहले सुन ले। इशरीन के माना होता है 20, ठीक है, और सलासीन के माना इशरीन, होता है, हाँ सलासीन के माना होता है 30, सलासीन के माना होता है 30, अरबईन के माना होता है 40, ठीक है, और खमसीन के माना होता है 50, 50, खमसीन के माना 50, 50, सित्तीन के माना होता है 60। ठीक है, जी उसके बाद सित्तीन हो गया, उसके बाद 70 के माना 70, उसके बाद 80 के माना 80, उसके बाद माइक बंद कर लें जो भी है। ठीक है, इसी तरह से आपको लगाना है। अब बताएं कुछ भी लगाएं, 20, 30, 40, 50, 10, 10 का बोले, हना के साथ लगाना है। अना फिल इशरीन, हाँ अना फिल इशरीन, मैं 20 साल का। जी माइक किनका ओपन है, माइक एक्स्ट्रा मुआ इको आ रहा है, ध्यान दें। खैर, सलमा, हाँ हिया सलमा, सलमा हाँ हिया सलमा, हिया सलमा, वो सलमा है। ठीक है, अब हिया लगाते चलें। बोले वो उसका से पेशा बताएं, वो क्या है। हिया जी तबीबतुन, वो एक डॉक्टरनी है, या फिर मुअल्लिमतुन, वो एक उस्तानी है, या फिर मुबर्रिजतुन, मुआल्ला, वो एक नर्स है। कुछ भी लगाते जाएं, ठीक है, कोई एक लगाएं। हिया मुअल्लिमतुन मान के चलते हैं, हिया वो एक टीचर है। मुअल्लिमतुन, ठीक है, अब उसके बाद फिर कहाँ की रहने वाली है वो बताएं। मिस्रियुन, देहलवीयुन, फिर जाकर के क्या बोलते हैं, हिजाजीयुन, इस तरह से लगाते जाए, कुछ भी लगाएं। हिया हिजाजतुन, हिजाजीयुन या के साथ लगेगा। जाजियुन, ठीक है, उसके बाद हिया बोल फिल अरबईन कर दें, किसी के साथ अरबईन कर दें, किसी के साथ खमसीन कर दें। ठीक है, चूंकि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी ना एक्यूरेट एज थोड़ी ना चाहिए, कुछ भी लगा जी, सकते हैं। हिया या फिल फिर अरबईन, खानसीन, हाँ ठीक है, जी वो 50 साल की है, सलमा वाला हो गया। अब करीम के जी साथ बोले, हुआ करीमुन, नहीं हिया कैसे लगेगा, मुजक्कर हुआ है तो, नहीं, हुआ 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 हाँ हुआ करीमुन, वो करीम है। हाँ करीमुन, अब बताएं उसका पेशा बताएं, वो क्या है, कुछ भी बताएं। मुहंदिस के हुआ माने इंजी, हासिबुन, हाँ मुहासिबुन सही है, वो एक अकाउंटेंट है। उसके बाद बोले कहाँ का रहने वाला है। हुआ हुआ मिस्रीयुन लगाया है, पाकिस्तान, देहलवी, हाँ पाकिस्तानी, पाकिस्तानीयुन, पाकिस्तानीयुन, ठीक है, हुआ हो गया। अब एज बताएं, हुआ फी सलासीनी, हाँ ठीक सलासीना, ठीक है, हाँ वो 30 साल के हैं, वो 30 साल का है, हो गया। नबीला मुअन्नस है, याद रखेंगे, नबीलतु मुअन्नस है। तो अब बताएं हिया लगाएं, या फिर कोई जरूरी नहीं कि हिया ही लगाएं, अंति भी तो लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, हाँ अंति भी अंति लगा सकते हैं, अंति नबीलतु, आप लगा सकते नबीला हैं, अंति, हैं जी, अंति हाँ आप नबीला हैं। उसके बाद बताएं नबीलतुन, अंति,
मुअल्लिमतुन। हाँ बिल्कुल सही, आप एक उस्तानी हैं यानी लेडी टीचर हैं। उसके बाद बताएं कहाँ की रहने वाली हैं। अंति देहलीवतुन, देहलवियतुन, देहलवियतुन, देहलवियतुन। हाँ ठीक है, उसका एज बताएं, वो दिल्ली की रहने वाली है, हो गया। अंति फिल खमसीन, हाँ ठीक है, 50 साल की है। सबको 50 साल का बना दीजिए। आगे बोले सालिम के साथ बोले। अंत सालिमुन। ठीक है, आप सालिम है, सालिम नाम है यहाँ पे जी। जी। अंत तबीबुन बोले या फिर मुहंदिसुन, मुहंदिसुन के माने इंजीनियर। अंत मुहंदिसुन, आप एक इंजीनियर हैं। अंत जी उसके बाद हिंदी। जी, माइक किनका ऑन है, इको बहुत ज्यादा हो रहा है, बंद कर लें, खास ख्याल रखें। जी हाँ बोलें। फिलिश्रीन, ठीक है, इश्रीन के माना 20 साल। अंता सालिमुन, आप सालिम हैं। अंता मुहंदिसुन, आप एक इंजीनियर हैं। अंता क्या बोला, मिस्रियुन बोले या फिर पाकिस्तानियुन बोले या फिर आप बतनवियुन, पटना, ठीक है, पटना के रहने वाले, ठीक है। और अंत फिल इशरीन, आप 20 साल के हैं। अब सईदा, लास्ट सईदा मुअन्नस है, बोले सईदतुन। सईदा तू, औरत के नाम के साथ तनवीन नहीं लगता, वो सईदा है। हाँ अब पेशा बताएं। तालिबतुन। हाँ बिल्कुल, हिया तालिबतुन, वो एक तालिबा यानी स्टूडेंट है, लेडी स्टूडेंट है। उसके बाद बताएं कहाँ की रहने वाली हैं। लंदन। हाँ नहीं देखिए, जिसके साथ या नहीं आएगा ना तो फिर आपको उसके साथ लगाना ही पड़ेगा, मिन लगाने पड़ेगा। हिया मिन लंदन यानी शी इज फ्रॉम लंदन, इस तरह से अच्छा, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे याए निस, लंदन। यहाँ पे जो पैटर्न है याए निस्बती के साथ है, तो जो पैटर्न चल रहा है एक्सरसाइज में उससे हटकर ना बताएं तो बेहतर है, बाद में फिर हम वो वाला मिन वाला देखेंगे, ठीक है। बाज ऐसे नाम होते हैं जो या के साथ नहीं आएगा तो उसके साथ फिर हमको मिन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी। बतनवीन हो गया, उसके बाद फिर गयावीयुन, गया 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 के रहने यानी वाले, गयावीयुन, ठीक है। तो सऊद क्या चाहिए। हिया गयावीयुन, वो गया की रहने तबीयत वाली है। उसका एज बता दीजिए। हिया या सित, फिर सलासी अच्छा वो 30 साल की है, ठीक है, जी। हो गया क्लियर। ये कुछ नहीं है, बस समझना है, पैटर्न को समझ जाइएगा तो आसानी से हो जाएगा। आगे एक्सरसाइज है, बा जवाब दीजिए, सवाल है, सवाल के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना। मिन अइना अंता, आप कहाँ के हैं। मेरा नाम इमरान खान है, इसकी अरबी क्या होगी। इस्मी इमरान खान, इस्मी इमरान खान, माई नेम इज इमरान खान, ठीक है। जैसे आपसे अगर कोई पूछेगा मसमूका या फिर मसमुकल करीम, आपका क्या नाम है, या फिर व्हाट इज योर नेम, या फिर व्हाट इज योर गुड नेम, ये सवाल हो गया, तो आप जवाब देंगे इस्मी इमरान खान, इस्मी हामिद, वगैरह वगैरह, ठीक है। जवाब दीजिए, सवाल मिन अइना अंता, आप कहाँ के हैं, ठीक है, फ्रॉम वेयर, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसका जवाब दें। अना हाँ उसी पैटर्न पे होगा, दो तरह से होगा, या तो फिर याए निस्बती जैसे हिजाजीयुन, मिस्रीयुन, देहलवीयतुन, या फिर मिन वाला, मिन लंदन, अना मिन लंदन, मैं लंदन से हूँ, आई एम फ्रॉम लंदन, जी, अना दो तरह से। हिंदी। हाँ हाँ अना हिंदीयुन, ठीक है, ये हो गया, ये एक तरीका हो गया, अना हिंदीयुन, मैं भारत का रहने वाला हूँ, या फिर ऐसे भी कह सकते थे अना मिनल हिंदी, आई एम फ्रॉम इंडिया, एक हो गया अना हिंदीयुन, ठीक है, एक हो गया अना मिनल हिंदी, ठीक है। जी भाई कौन है, माइक बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है, माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। दो तरह से जवाब होगा,
मिन अइना अंता, आप कहाँ के हैं, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, वेर आर यू फ्रॉम, ठीक है। जवाब होगा अना हिंदीयुन, मैं भारत का रहने वाला हूँ, या फिर अना मिनल हिंदी, आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, आई एम इंडियन या फिर आई एम फ्रॉम इंडिया, दो तरह से जवाब होगा। उसके बाद मिन अइना हुआ, वो कहाँ का रहने वाला है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, मिन अइना हुआ, वो कहाँ का है, ठीक है। तो जवाब देंगे हुआ मिन बतना, या फिर हुआ मिन दिल्ली, हुआ मिन दिल्ली, या फिर हुआ देहलवी यून, हुआ मिन दिल्ली, या फिर हुआ देहलवी यून, क्योंकि मुजक्कर है तो देहलवी यून होगा, मुअन्नस होगा तो देहलवी यतुन होगा, ये फर्क याद रखेंगे, मुजक्कर होगा देहलवी यून होगा और मुअन्नस होगा तो देहलवी यतुन होगा, ठीक है। मिन अइना हुआ, वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो होगा हुआ मिन दिल्ली, वो दिल्ली के हैं, ठीक है, या फिर हुआ देहलवी यून। मिन अइना हिया, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है, हिया मिन, बोले कुछ भी लगाएं, हिया मिन दिल्ली दिल्ली वतन, क्या दिल्ली यतुन, दिल्ली यतुन, ठीक है। कोई और जगह भी बता सकते हैं, हिया मिन हैदराबाद, ठीक है, हिया मिन गुजरात, ठीक है, गुजरात उर्दू में शायद गाफ से होता है लेकिन अरबी में गैन से हो जाएगा, गुजरात, हिया मिन गुजरात। उसके बाद है मिन अइना अंता, मिन अइना अंता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मिन अइना अंता, आप कहाँ के रहने, मिन अइना अंती, अंती है, ध्यान रखें, मिन अइना अंती, आप कहाँ की रहने वाली हैं, बोले अंती मिन इंदौर, अंती नहीं होगा, आना से जवाब देंगे, अच्छा, अना मिन इंदौर सही जवाब है, अना मिन इंदौर, अना मिन इंदौर। मिन अइना खालिदुन, खालिद कहाँ से है, खालिद कहाँ से है, या फिर खालिद कहाँ का है, बोले कुछ भी, इतना सारा जाएगा, हाँ, खालिदुन मिन मुंबई, खालिदुन मिन मुंबई, ठीक है, सही है, समझ में आ गया ना, खालिदुन अगर मिन नहीं लगाएंगे तो खालिदुन मुंबई, मुंबईयुन, वो तन्वीन लगेगा लास्ट में, नहीं ये न्याय निस्बती वाला ये नहीं बनेगा, ये शायद मिन ही के साथ होगा इस्तेमाल, अच्छा, ठीक है, वो मिन मुंबई, वो मुंबई के रहने वाले हैं, वो मुंबई के हैं, वो मुंबई से हैं, ही इज फ्रॉम मुंबई, ठीक है जी। यहाँ तक कोई परेशानी, ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। इसके बाद इसी पैटर्न पे अभी बहुत बहुत सारा है, मिन अइना राबियातु, बताएं मीन अइना राबियातु, राबिया कहाँ की है, राबिया कहाँ की रहने वाली है, मीन अइना राबियातु, राबिया कहाँ की है, बताएं जल्दी जल्दी, आसान है, राबियातु मीन बतना, राबियातु मीन कोलकाता कालकुता, राबियातु मीन हैदराबाद, राबियातु मीन गुजरात, ठीक है। मा उम्रु का, तुम्हारी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, अना इशरीन, हाँ अना फिल इशरीन, फिल, ठीक है, हाँ फी लगेगा, लगो फी लगेगा, ये अरबी की ताबीर है, ठीक है, लैंग्वेज का जो ताबीर होता है, जो पैटर्न होता है वो तो होता ही है, ठीक है। अना फिल इशरीन, मैं 20 में हूँ, यानी 20 साल का हूँ। मा उम्रु की, तुम्हारी उम्र क्या है, ठीक है, की है, की बताएं, हाँ। उमरी अना, हाँ, दो तरह से बता सकते हैं, हाँ। क्या फिल खमसीन, खमसीन, हाँ सही है, सही है, खमसीन, मैं 50 साल की हूँ, ठीक है। उसके बाद है मा उमरुहा, ठीक है, उसकी उम्र क्या है, यानी उस एक औरत की उम्र क्या है, बताएं, हिया लगाएंगे, हिया, हाँ हिया, हिया फिल फिस सलासीन, फिल सलासीन, अरबईन, फिल खमसीन, फिस सित्तीन, फिस सबईन, कुछ भी लगाएं, फिल अरबईन, वो 40 साल की है। मा उम्रुहु, मा उम्रुहु, उसकी उम्र क्या है, हाँ हुआ फिल अरबईन, अरबईन,
वो 40 साल के हैं, वो 40 साल का है। मा उम्र सलमा, सलमा की उम्र क्या है? सलमा मिन, सही है, सलमा मिन, या फिर हिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सलमा हिया मिन, हिया फी बोले अरबाइन, हिया फिल अरबाइन, वो 40 साल की है। मा उम्र नबीलिन, नबील की उम्र क्या है? हुआ के साथ हुआ। बताएं नबीलून भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है, चूंकि हम एक पैटर्न जो ऑथर है वो दे चुके हैं, तो उसी पैटर्न पे बनाना है। हुआ यहाँ पे लगेगा जवाब में, हुआ फिल खमसीन, वो 50 साल का है, या फिर हुआ फिस सितीन, वो 60 साल का है। मा अमलुका, तुम्हारा मामूल या तुम्हारा पेशा क्या है? व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? ठीक है, तो बताएं, अना तबीबुन कह सकते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, या फिर कह सकते हैं आई अना तालिबुन फी कुल्ली यतिन, फी कुल्ली यतिन, मैं एक कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। फी जामियातिन भी कह सकते हैं, अना तालिबुन फी जामियातिन, मैं एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मा अमलू की, थोड़ा सा फर्क, मैं एक मुदर्रिसा हूँ, यानी उस्तानी हूँ, लेडी टीचर हूँ। मा अमलुहा, व्हाट इज हर वर्क, क्या है? हिया हासिब, हासिबुन, हासिबुन नहीं, मुहासिबतुन, मुहासिबुन, आप जो कहना चाह रही हैं, मुहासिबुन का की मुअन्नस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मुहासिबतुन हो जाएगा, मुहासिबतुन, हाँ मुहासिबतुन, वो एक अकाउंटेंट है, लेडी अकाउंटेंट है। मा अमलु राशिदिन, राशिद का काम क्या है? राशिद क्या करता है? राशिद का मामूल क्या? हुआ नहीं होगा, राशिद ही आएगा, हुआ लगा करके बनाना है, पैटर्न बता चुके हैं। हुआ तबीबुन, हुआ मुहंदिसुन, हुआ तबीबुन वो एक डॉक्टर है, या फिर हुआ मुहंदिसुन वो एक इंजीनियर है। मा अमलु सुआद, सुआद क्या करती है, या फिर सुआद का पेशा क्या है? हिया, हिया तालिबतुन, हाँ वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। आगे है जीम, अरबी में तर्जमा कीजिए, ध्यान देकर के सुनेंगे, उर्दू वाला थोड़ा अरबी के मुकाबले में, उर्दू टू अरबी आसान होता है, अरबी टू उर्दू आसान होता है, उर्दू टू अरबी जरा मुश्किल होता है, ठीक है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बताएं, अना ज़ाहिबुन दहलियुन, जिधर को जाएंगे उधर उधर को इला लगाएंगे, बता चुके हैं हम, अच्छा, जिधर को जाएंगे उधर को इला लगाएंगे, अना ज़ाहिबुन इलल, इलल, हाँ बनाए, मैं बताऊंगा, इला दिल्ली, इला दिल्ली, हाँ याद रखें, जिधर जिधर को जाएंगे उधर को इला लगाएंगे, और जिधर से रिटर्न आएंगे उधर उसमें क्या लगाएंगे, मिन लगाएंगे, ठीक है। अना ज़ाहिबुन इला दिहली, मैं दिहली जा रहा हूँ, चूंकि मुजक्कर है इसलिए ज़ाहिबुन आएगा, ज़ाहिबतुन नहीं आएगा, ठीक है, मैं दिहली जा रहा हूँ, अना ज़ाहिबुन इला दिहली। उसके बाद है, क्या तुम पटना जा रही हो, क्या तुम पटना जा रही हो, हाँ सही है, अंति ज़ाहिबतुन इला पटना, हाँ हाँ सही, पाको बा से बदल देंगे, हल अंति ज़ाहिबतुन इला बतना, हल अंति ज़ाहिबतुन इला बतना, क्या तुम पटना जा रही हो, क्या तुम पटना जा रही हो, हल अंति ज़ाहिबतुन इला बतना, बा से होगा, हाँ वो औरंगाबाद जा रहा है, नाम हुआ ज़ाहिबतुन हुआ के साथ ज़ाहिबतुन कभी नहीं आ सकता, हुआ ज़ाहिबुन, चूंकि हुआ ज़मीर जो प्रोनाउन है मुज़क्कर है, तो ज़ाहिबुन इस्तेमाल करेंगे ना, हुआ ज़ाहिबुन इला औरंगाबाद, इला औरंगाबाद, हाँ सिर्फ उर्दू में गाफ से होगा, और जब अरबी में चेंज करेंगे, अरबी कालिब में ढालेंगे, तो क्या होगा, गैन से बदल जाएगा, औरंगाबाद, हुआ नाम हुआ ज़ाहिबुन इला औरंगाबाद,
ठीक है, मैं लखनऊ जा रही हूँ, बताए बिल्कुल आसान है। अना ज़ाहिबतुन इला लखनऊ, इला नखनऊ, हाँ मैं बता रहा हूँ, अना ज़ाहिबतुन इला लखनऊ, लखनऊ ठीक है, काफ छोटी काफ से होगा, अना ज़ाहिबतुन इला लखनऊ ठीक है। उसके बाद है लखनऊ दिल्ली से ज्यादा दूर है, देखें बईदुन के माने सिंपली दूर होता है, लेकिन किस कंपैरेटिव उससे लाएंगे, इसमें तफजील लाएंगे तो अब अदु मिन होगा, बाकी आसान है। लखनऊ खा नहीं होगा, लखनऊ, 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 हाँ अब अदु, अब अदु मिन दहलियुन, दहली, हाँ बिल्कुल सही, लखनऊ अब अदु मिन दिल्ली, लखनऊ अब अदु मिन दिल्ली, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल आसान होगा, लखनऊ अब अदु मिन दिल्ली, अब अदु के माना ज्यादा दूर। सहारनपुर दिल्ली से ज्यादा करीब है, करीब की अरबी करीबुन होता है, लेकिन इसमें तफजील आएगा अकरबु मिन, ठीक है, बाकी सहारनपुर पा को बा से बदल देंगे, ठीक है, बाकी बिल्कुल आसान है, बोले सहारनपुर बा से बदलेंगे ना, हाँ 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 ठीक है, या फिर याद रखें बा से भी होगा या फिर फा से भी होगा, सहारनपुर चूंकि अरबी में फा आती है, लेकिन फा आता है लेकिन क्या बोलते पा नहीं आता है, जी ठीक है, सहारनपुर सहारनपुर अकरबु मिन मिन दिल्ली, दहली, सहारनपुर अकरबु मिन दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली तो उर्दू हो जाएगा, दिल्ली ठीक है, हाँ दाल पे जेर होगा, सहारनपुर अकरबु मिन दिल्ली। उसके बाद है सालिम, तुम्हारी क्या उम्र है, ठीक है, सालिम, सालिम, हाँ बिल्कुल सही, या सालिम, सालिम, बोले तुम्हारी क्या मिन उम्र है, अंता, नहीं माँ से होगा सवाल, माँ, मा माँ उम्रु का, आईना, मा माँ उम्रु उम्रू का, का, मा क्या उम्रु, एज का तुम्हारा, ठीक है, मा अच्छा उम्रु का तुम्हारी उम्र क्या है, या सालिमु ए सालिम, मा उम्रु का तुम्हारी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, मैं 60 साल का हूँ, 60 की अरबी बताता हूँ, 63 होगा, अब बाकी अना सब आसान, सितीन, नहीं फी के साथ लगाएंगे, अरबी ताबीर है जो अना फी सितीन, ना फिस सितीन, ठीक है, सितीन, मैंने बताया था जब अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, हुरूफ शमसी की कैटेगरी में, तो फिर क्या करेंगे, तीसरे लेटर में मिल जाएगा फिस सितीन, फा डायरेक्ट सीन में मिल जाएगा, फिस सितीन, अना फिस सितीन, मेरी बहन सुआद 30 साल की है, बहन की अरबी आती है उख्तुन, हाँ उख्तुन, और मेरी बहन क्या होगा, या लगाए, अना उख्तुन, नहीं या लगाएं, नहीं उख्ती, उख्ती, हाँ उख्ती, उख्ती सुआद, मेरी बहन उख्ती सुआद सुआद, सलासीन, 30 साल की है, नहीं फी फीस लगाएं, सलासीन, फिस सलासीन, उख्ती फीस सुआद, सलासीन, फिस सलासीन, फीस उख्ती सलासीन, सुआद, फिस सलासीन, ठीक है। हम्म, उसके बाद है, ये तो हो गया ना, सुआद क्या करती है, ये सब गुजर चुका, मा अमलु सुआद, मा अमलु, अभी अभी गुजरा ना, मा अमलु राशिदिन, मा अमलु सुआद, ठीक है, सुआद क्या करती है, मा अमलु सुआद, वह मदरसा की तालिबा है, बिल्कुल आसान जुमला है, बताएं, हिया तालिबुन मदरसतुन, सॉरी नहीं, हिया तालिबतुन, हिया तालिबतुन ती मदरसतिन, ती मदरसतुन, ठीक है, वो एक मदरसे की तालबा है, ये होगा तर्जमा, वो एक मदरसा की तालबा है, यानी वो क्या मदरसा की करते तालबा है, हो, तुम क्या करते हो, मा अमलुका, मा अंता, अच्छा, मा मा अमलुका, अमलुका, तुम क्या करते हो, मा अमलुका, ठीक है, मैं एक यूनिवर्सिटी में उस्ताज हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी की अरबी जामियातिन, जामियातिन आती है, जामिया, जामिया जानते हैं, और कुल्लियतुन के जामियातुन, माने भी कॉलेज हो, कुल्लियतुन के माने कॉलेज होता है, और जामियातुन के माने यूनिवर्सिटी होता है, अब बताएं,
मैं एक यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूँ जी। कौन साहब है? आना एक मिनट, रजी भाई, मोहम्मद रजी भाई बोले जी। अनम्यूट किया मैंने आपको, रजी भाई, मुल्तजिम भाई आप बोले। अना उस्ताजु फी जामियती। फी जामियतिन, अना उस्ताजु फी जामियतिन, सही है? हाँ। जी रजी भाई आप रिस्पॉन्स दे, बोले। अनम्यूट किया मैंने, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, माइक ओपन कर दिया आपका, आवाज आ रही है ना जी। मैं एक यूनिवर्सिटी में उस्ताज हूँ, अना उस्ताजुन फी जामियतिन, या फिर अना मुअल्लिमुन, अना मुअल्लिमुन फी जामियतिन, ठीक है। देवबंद कहाँ है? अईना के माने कहाँ? देवबंद। अईना देवबंद, अईना देवबंद, ठीक है। देवबंद जिला सहारनपुर में है। जिला की अरबी आती है मुदीरियती। बोले देवबंद मुदीरतिन मिन सहारनपुर। देवबंद फी मुदीरियती सहारनपुर, ठीक है। देवबंद फी मुदीरियती सहारनपुर, ठीक है। माइक बंद कर ले, कौन साथी है जी? मोहम्मद रजी भाई एक बार और, अनम्यूट किया मैंने आपको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है सर जी? मेरा दूसरा दिन है। अच्छा ठीक है, ध्यान दे, माइक बंद कर ले। ठीक ठीक, माइक बंद करें, ध्यान से सुने। हाँ कहाँ चल रहा था? दारुल उलूम, दारुल उलूम कहाँ है? अईना दारुल उलूमी, अईना दारुल उलूमी, ठीक है। दारुल उलूम शहर देवबंद में है, देवबंद एक शहर है, ठीक है। दारुल उलूमी फी मदीनती देवबंद, मदीना के माना शहर। दारुल उलूमी फी मदीनती देवबंद हो गया। उसके बाद क्या जिला सहारनपुर सूबा यूपी में है? क्या जिला सहारनपुर सूबा यूपी में है? जिला की अरबी मुदीरियती और सूबा की अरबी क्या है? अभी एकदम ज़हन से निकल रहा है। हाँ विलायती, विलायत के माने सूबा, ठीक है। विलायत के माने सूबा। हल हल मुदीरियती सहारनपुर, हल मुदीरियती सहारनपुर फी विलायती यूबी, यूबी बा से, ठीक है। क्या जिला सहारनपुर सूबा यूपी में है? हल मुदीरियती सहारनपुर फी विलायती यूबी, फी विलायती यूबी, विलायत के माने सूबा जी। उसके बाद है दारुल उलूम क्या है? मा दारुल उलूमी, मा दारुल उलूमी, ठीक है। दारुल उलूम सबसे बड़ा मदरसा है। दारुल उलूमी अकबरु मदरसतिन, क्या होगा? अकबरु मदरसतिन यानी दूसरे मदरसा से बड़ा है, ठीक है। दारुल उलूमी सब, दारुल उलूम सबसे बड़ा मदरसा है। दारुल उलूमी अकबरु मदरसतिन, ठीक है। उसके बाद है क्या मुजफ्फरनगर सहारनपुर से बड़ा है? मुजफ्फरनगर सहारनपुर से बड़ा है। हल मुजफ्फरनगर अकबरु मिन सहारनपुर, हल मुजफ्फरनगर अकबरु मिन सहारनपुर, ठीक है। नहीं, ला नहीं के लिए ला आता है। मुजफ्फरनगर सहारनपुर से छोटा है और देवबंद से बड़ा है। मुजफ्फरनगर असगरु मिन सहारनपुर व अकबरु मिन देवबंद, ठीक है। असगरु मिन किसी से छोटा, अकबरु मिन किसी से बड़ा, ठीक है। मुजफ्फरनगर असगरु मिन सहारनपुर
वअकबरु मिन देवबंद। जी कौन है? रजी साहब जी बोलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने सलाम किया। हाँ सर, सर जी आपने ये जो आप जो आगे जो पढ़ा रहे हैं, अब सर जी मैं पीछे से कैसे पढ़ सकता हूँ? आप बहुत आगे आ गए, अब मैं पीछे से कैसे पढ़ सकता हूँ? आप देख करके पढ़ें और फिर आपको रिकॉर्डेड लेसन मिलेगा। आप बात करें ग्रुप एडमिन जो है उनसे, बात करें शादाब भाई से, आपको मिल जाया करेगा लिंक वगैरह। यस सर। ठीक है सर जी। यस सर। ओके जी। और भाई जिनको कोई सवाल है तो पूछें, लेसन कंप्लीट हो चुका है। जी कोई डाउट है अगर तो पूछें। सबक थोड़ा सा मुश्किल था, ज्यादा नहीं, बाकी सब आसान आसान था। माँ उमरू का, माँ के बारे में आप सीख चुके हैं। उमर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है। फिर आईना के बारे में आप जान चुके हैं, आईना के माने क्या, कहाँ। फिर थोड़ा ये बेसिक कन्वर्सेशन था आज वाला जो सबक था, ठीक है। कैसे नाम पूछते हैं, कैसे उम्र बताते हैं, ठीक है। तो कोई सवाल है तो बताएं। जीशान भाई जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज साहब कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, घंटा आध घंटा लग सकता है। हां वो तो बिल्कुल जरूरी। अभी मैं छठे सबक तक आया हूं, छठे लेसन तक प्रिपरेशन कर रहा हूं, तैयारी इंशाल्लाह यहां तक पहुंचूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हूं, फिर साथ-साथ चलूंगा। ठीक ये थोड़ा ये क्लास कैसे 9:30 से हो गई, कोई वजह हो गई थी क्या बोलते हैं? ये क्लास 9:30 से कैसे करती, मैं थोड़ा मशरूफ रहता हूँ। असल में देखिए, शुरू में 9 से स्टार्ट हुआ था। बाज लोगों को जमात में प्रॉब्लम हो रही थी नमाज में, ठीक है, तो उन्होंने 10 से कर दिया। लेकिन अब 10 वाले में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बाज लोगों को सोने में ज्यादा लेट हो जाता है, ठीक है, तो उनको तकलीफ होती है। तो ऐसा टाइम है स्टैंडर्ड टाइम कि ना आप ना किसी का नमाज छूटेगा और ना किसी का नींद में खलल होगा, यानी बीच बीच का, ठीक है। इसलिए 9:30 का टाइम सिलेक्ट किया गया है और 9:30 में आई होप कि किसी की नमाज नहीं छूटेगी, किसी की भी नमाज नहीं छूटेगी। ये बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल, इससे नीचे मत आना। हाँ हाँ, और कोई रीजन नहीं है, बहुत सोच समझ करके ये टाइम रखा गया। और अगर गौर किया जाए तो बहुत सही स्टैंडर्ड टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम ये। जी जी मतलूब भाई, अनम्यूट किया मैंने आपको। मतलूब सलीम साहब, अहसान अली शेख बोले आप। शहनाज जहां, आपको अनम्यूट किया मैंने, बोलिए। और कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करें और पूछें। लेसन कंप्लीट हो चुका है। जी शावेज साहब अनम्यूट कर दिया, बोलें। शाहवेज साहब आप सुन नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो जी बोले। हाँ मैं ये कह रहा था कि राबिया कहाँ की है, तो मिन आईना राबिया, आईना का मतलब कहाँ, और ये उमरू, हाँ उमरू सलामी, क्या बोले, सलमा की उम्र क्या है? हाँ माँ उमरू सलमा, सलमा की उम्र क्या है, माँ के माना क्या, उम्रू का मतलब, उम्रू के माना एज, उम्रू माना क्या, नहीं अच्छा, माँ के माना क्या, माँ के माना अच्छा, क्या हार्ट, उम्रू के माना अच्छा, एज, अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है
ठीक है ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये जो राबिया की उम्र, राबिया कहाँ की है, तो कहाँ इसका कहाँ कौन सा शब्द है ये कहाँ के लिए? दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक या निस्बती के जरिए से, जैसे आप बताएं कि वो देहलवी है, ठीक है, उर्दू में भी कहते हैं नालंदवी है या फिर पटनवी है या फिर गयावी है या फिर देहलवी है, हैदराबादी है, ये उर्दू में भी इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो हिया देहलवियुन या फिर हिया हैदराबादियुन, हिया पाकिस्तानियुन, हिया हिंदियुन, या फिर हिया मिन लंदन, हिया मिन इराक, हिया मिन मिस्र, ठीक है, मिन के जरिए से या फिर या निस्बती के जरिए से। अच्छा, या निस्बत जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताता है। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ये पूछना था। ठीक है, शुक्रिया। और कोई साहब कोई सवाल है तो जल्दी से पूछे, एक दो मिनट में 36 में क्लास एंड कर दिया जाएगा, 34 हो रहा है, और कल वाला मैंने उर्दू सॉल्व करके नहीं दिया है, आज थोड़ी बहुत ज्यादा मशगूलियत थी। अगले हफ्ते कोई एक प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए हमें कुछ कंटेंट वगैरह तैयार करना था टीचर लोग के साथ मिलकर के, तो थोड़ी मशगूलियत ज्यादा रह रही है, तो कल वाला नहीं लिख पाया था, सॉरी, इंशाल्लाह आज दोनों करके दे देंगे। जी आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ भी अगर सवाल है तो पूछें, लेसन से हटके भी अगर कोई सवाल है अरबी से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। जी नाजिया बहन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोले। जी सर मैं ये बोल रही थी, जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता होगा ना उसमें, तो ऐसे ही समझाइए आप, जैसे आपने बोले उमरू, फिर उमरो उमरो क्या बोलते हैं उमरी का अभी मैंने बताया जाहिबुन के माना होता है जाने वाला, जाहिबतुन के माना होता है जाने वाली, लेकिन मैंने बताया जाने वाला और जाने वाली तर्जमा इसका लफ्जी तर्जमा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मुहावराती तर्जमा होगा वो जा रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। जी जी, तो कोशिश तो यही कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बेसिक इंग्लिश के बेसिक इंग्लिश और आसान उर्दू के जरिए से समझाओ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जी जी, और कोई सवाल? क्लियर है जी। इमरान भाई कुछ लिख रहे हैं आप, मैंने पढ़ा नहीं है शायद, मैं जवाब दे चुका हूँ, मेरा नाम इमरान खान है, इसमें इमरान खान। हाँ बोलिए सर। वो जैसे अरबी में भी वर्ड जोड़े जाते हैं तो हाँ, उससे बनता है, जैसे मैंने खाया, मैंने पिया, मैं गई, तो सर ऐसे भी जोड़ते हैं इसमें सब? हाँ जोड़ते हैं, लेकिन देखिए ये बिगिनर्स के लिए किताब है, बिल्कुल अभी एकदम इनिशियल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद फेल के जो अक्साम आएंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब जब आएगा तो फिर आपको वो सब चीज आएगा, अकला या फिर नसरा, उसने मदद किया, उसने खाया, उसने मारा, वो सब आपको ग्रामर में पढ़ना है, इसमें जितना ग्रामर आएगा उतना ही पढ़ाई होगी, इस चूंकि ये टेक्स्ट बुक है, इसमें मैं ज्यादा ग्रामर को बताऊंगा तो ये जो क्या बोलते हैं वर्ड पावर वगैरह जो है इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, चूंकि अभी इस किताब को पढ़ाने का मकसद ये है कि कुछ अरबी के अल्फाज जिसको बोलते हैं वर्ड पावर वो आपका कुछ आ जाए, ठीक है, वर्ड पावर जब आपको कुछ हासिल हो जाएगा उसके बाद फिर बताएंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा समझ में आएगा, और अभी फुल्ली ग्रामर पढ़ाएंगे, सर्फ नह वगैरह बताऊंगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बाउंस करेगा, लेकिन एक कंप्लीट किताब हो जाएगी, ये किताब जो है 20 दर्स है, 20 लेसन पे मुश्तमिल है, ठीक है, 20 लेसन में आप लोग को काफी मवाद जिसको बोलते हैं काफी वर्ड पावर हासिल हो गया, कैसे सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो रहा, ये सब बुनियादी चीज आप सीख रहे हैं, इसके बाद फिर वर्ब के अक्साम आएंगे, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब आएगा, कैसे वर्ब बनता है, ठीक है, वर्ब का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो सब चीज बताएंगे, वही तो असल है, इसके बाद सर्फ होगा इंशाल्लाह,
ठीक है, ये 12 लेसन हो गया है, 8 लेसन और बाकी है, 8 दिन लगेगा, डेली एक लेसन ही चलेगा क्योंकि थोड़ा लंबा है। मैं एक ड्राइवर हूँ, इसकी अरबी क्या होगी? अना साइकुन, साइकुन के माने ड्राइवर। ठीक है, कोई सवाल अब शायद नहीं है, अगर है तो पूछ लें वरना मैं क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।